बहुत ऊपर आ दोपहर सिना बुलाओ 95-98 सर हाइट 195 सर जस्ट 95-98 सर 172 हाइट सर 85-89 सर 168 सर नेक्स्ट चलो आगे जाओ आगे जाओ चलो आगे जाओ। अरे बाप रे, एक तो को आगे बढ़ने के लिए कह दिया तो सब लोग आगे बढ़ गए। प्रभु इंसाफ परस्त है, बिना काम के है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में लगा है। ये बीए हिस्ट्री में गोल्ड मेडल पा चुका है। बहुत बड़ा मेडल है। इस जमाने में जहाँ सब लोग कंप्यूटर और रॉकेट के पीछे भागते हैं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस वक्त ये जो पढ़ रहे हैं वो किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। बिना मतलब की पढ़ाई करेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? क्यों सुबह सुबह आप भी ना, क्यों इसके पीछे पड़ गए? तुम्हारे बेटे को चार बातें नहीं सुनाओ तो क्या करूं? रुको बेटिया, इधर आओ। क्या है पापा? हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली थी बेटी? क्या पापा, कैसे बेकार सवाल पूछ रहे हैं आप? सुन लिया, आजकल के बच्चों को जिस बात की जरूरत नहीं पड़ती उसे अपना लड़का 3 साल में पढ़कर गोल्ड मेडल ले चुका है। पवित्रा जरा यहाँ आओ। क्यों? अरे आओ ना। क्या है? पिताजी का नाम बताओ तुम्हारे। हंसने की जरूरत नहीं है। पिताजी का नाम बताओ तुम्हारे। नटराज। और उनके पिताजी का नाम? वीरभद्र। उनके पिताजी का नाम? धर्मराज। उनके पिताजी का नाम? तेरा ही नाम था बच्चा, प्रभु था। और उनके पिताजी का नाम? वो पता नहीं। उनके पिताजी का नाम था रुद्रा और उनके पिता रंगा। रंगा जी के पिता का नाम नहीं मिल रहा है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उस नाम का वो महान इंसान 500 साल पहले दूसरे गांव से आकर इस गांव में बस गया था। ये 5 पीढ़ियों की बात है और हमारे खानदान का इतिहास है। लेकिन वो इतिहास हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं? मॉडर्न युग है, पर दादा का नाम पता तो सब जाने लगती है। इतिहास में बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज मैं जानता हूँ वो कंप्यूटर इंजीनियर्स भी नहीं जानते, और जो चीज वो जानते हैं उसके बारे में मुझे क्या पता। पंडित जी, मेरा पासपोर्ट जरूर मिल जाएगा, विश्वास रखो। अच्छा ठीक है। ये बताओ तुम्हारा फोटो तो मैंने कब कहा नहीं है, लेकिन इस बार के फंक्शन का फोटो तो पेपर में आया ही नहीं। मैं क्या है, तेरा फोटो प्रिंट करके पेपर में फिर से छपवा देंगे, बेकार में दिमाग खराब करिए। मेरे घर में भी सब ठीक है, तेरा तो है और आपके घर में? प्रसाद पंडित जी। अरे वाह भगवान, श्रद्धा देने वाला भी तू ही है, समझदारी देने वाला भी तू ही है, भूख देने वाला भी तू ही है, साधक प्रसाद देने वाला भी तू ही है। अरे जी मेरी नई साड़ी है। अच्छा ठीक है। हाथ पोछने के लिए टिश्यू पेपर देने वाला भी तू ही है, ये लो। सुनो हेलो, हमारे देश में कीप लेफ्ट, इधर आओ, कीप लेफ्ट। हे भगवान, अब तृप्ति हो गई। पिता, इसका सपना है 2 पैसा कमाने के लिए दुबई जाने का। ये बेचारा जब भी कुछ अच्छा सोचता है तो वो कभी पूरा नहीं होता। इसे इस गांव की सारी लड़कियां पसंद है, लेकिन लड़कियों ने इसे वेटिंग लिस्ट में रखा है। अरे धागा ठीक चले पे तो, साड़ी पहनने वाली लड़कियां भी तुमसे अच्छा काम करती है। धागा ठीक चले पे तो बोला ना। ठीक है जी। ये क्या नजरें झुका के क्यों खड़ा है? मतलब तूने इस बार भी एप्लीकेशन नहीं भेजा है ना, तू ऐसा क्यों कर रहा है रे? मैं तुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ। जा यहाँ से, जा। इस जन्म में तेरा उद्धार नहीं हो सकता। जब तेरी माँ मरी थी तो साथ में तू भी मर गया होता ना, तो मेरे दिल को सुकून मिलता। क्यों रे, क्या देखता है तू? मेरे घर में यह मनहूस चेहरा लेकर दोबारा मत आना। ए, तू ऐसा क्यों कर रहा है? ये ले रख ले, इस बार तू अपना एप्लीकेशन ठीक से भेजना। छोटी माँ के सामने आप ये सब नौटंकी कर रहे थे ना? माँ, इनका ओवर एक्टिंग तुम देख नहीं सकती थी, इसलिए तुम मुझे इनके साथ छोड़कर अकेली चली गई ना। देखो सेकंड माँ के लिए मेरे साथ किस तरह की नौटंकी खेल रहे हैं। छोड़ो, जाओ।
सुने बेटा। ये है चंद्रा, खुद की एक कंप्यूटर सेंटर खोलने की दिली तमन्ना है। उसके लिए ये लोन लेने की कोशिश में लगा है, साथ में प्यार का चक्कर भी चला रहा है। हाँ मैंने पढ़े थे, देखना वो लड़का तुझे घूर रहा है। ये शायद तेरे लिए, मैं चली। क्यों प्यार का चक्कर है? जी हाँ। तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? अकेले जन्नत में रहूंगा तो भी बोर हो जाऊंगा मैडम। इतनी सारी लड़कियों में से मुझे ही क्यों चुना? कोई कौवे को घर में पालता है क्या मैडम? अरे तोते को पाला जाता है। तेरी सूरत पे थूक। ये और इसके पिता दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है। इसे इस तरह का आइडिया घर पर इसके पिता ने ही दिया। कैसा रहा मेरा आइडिया? छोड़िए पापा, बेकार का आइडिया। कैसा रहा रिएक्शन? तेरी सूरत पे थूक। इसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन। लड़कियों की आदत ही ऐसी होती है बेटा। क्या? लड़कियों का दिल मोम जैसा होता है, थोड़ी सी गर्मी मिलने पर पिघल जाता है। मैं तुम्हारा पर्सनल एडवाइजर हूँ, शाम को तुम मत जाना, मैं आ जाऊंगा। तुझे बता रही हूँ, दूसरे दिन मुझे मिला ना। क्या है रे, सुबह तो बेटा खड़ा था, शाम को बाप खड़ा है। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चली। ए, सुन तो, ये तो ले लो। अरे अंकल, डरने की जरूरत नहीं है बेटी। ये लेटर नहीं है, मेरे बेटे का बायोडेटा है। एक मिनट ठहरो, तुम्हें हाँ कहना होगा, कोई रास्ता ही नहीं है। ये है बैंक का पासबुक, ये है सारे अकाउंट का स्टेटमेंट, ये है घर के कागजात, सब कुछ चंगा है। घबराने जैसी बात नहीं है, जब बहू बन के आओगी तो सास का भी टेंशन नहीं है। वो खुद का एक कंप्यूटर सेंटर खोलने जा रहा है बेटी। अगर शादी के बाद तुम दोनों को मेरे साथ नहीं रहना तो तुम दोनों अलग रहने जा सकते हो। बोलो क्या कहती हो? अरे जवाब तो दो। मैं जवाब सिर्फ उसी को दूंगी। अरे मुझे जवाब दो, मैं उसे बता दूंगा। पापा उसने बोला ना मुझे बता देगी, फिर जिद क्यों कर रहे? प्यार की बात है तुझसे करे, लेकिन रिश्ते की बात तो मुझसे करे। चाहिए, चाहिए, चाहिए। देख मुश्किल से बात बनाई है, बिगाड़ ना मत। ये तीन लोग तीन शरीर हैं, लेकिन एक आत्मा की तरह फ्रेंड्स हैं। जब ये छोटे थे एक ही चड्डी को ये तीनों पहनते थे, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। रोजाना प्रभु के घर के टेरेस पर देर रात में आकर सोते हैं और सुबह बहुत देरी से ये लोग उठते हैं। सुबह सुबह क्यों धुलाई कर रही हो? पी रखी है क्या? मैं पूछ रही हूँ, पी रखी है क्या? मैडम एक पैग लगाया था, इन लोगों की तरह थोड़े पीता हूँ। पेकर तो ये दोनों है, मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूँ। मतलब तुमने पी थी? सिर्फ इतना सा। आज से मुझसे बात मत करना तुम। देखो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना तो मैं पक्का पेकर बन जाऊंगा। तुम्हारी तो मैं तुम्हारी। विनोद क्या है? अरे बा, ये क्या? ए, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? इसने हम पे भरोसा करके अपने घर पर हमें सोने के लिए जगह दिया है और तू यहाँ उसकी वैन को लाइन मार रहा है? ये दोस्ती के साथ तो गद्दारी कर रहा है, कहीं उसे पता चल गया तो? बेचारा, उसे कितना दुख होगा। क्या बकबक कर रहा है वे? चुपचाप चादर ओढ़ के सो जाना चल। क्या? चुपचाप सोने दे बे। कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे, सो जाना चुपचाप। ठीक है रे बाबा, ठीक है, मैं ही पागल हूँ।
तुम दोनों से एक बात कह देता हूँ, प्यार एक आरी की तरह है, आगे जाता है तो भी काटता है, पीछे आता है तब भी काटता है, ये याद रखना। अरे ये क्या है? मन्नत का प्रसाद है, मम्मी ने भेजा है। अरे मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तू इसे अपने पति को जाकर अपने हाथों से खिला देना। अरे दीदी इसे खाते हुए देखना नहीं चाहिए, मन्नत का प्रसाद है, देख लेगा तो अंधा हो जाएगा। ये मैं नहीं जानती क्या, वो ना देखे इस तरह से तू उसे खिला, उसके बाद वो तेरे आगे पीछे किस तरह से घूमता रहेगा देखना। अरे जल्दी ले जा। सुबह सुबह लाइन मारना चालू, तुम भी कौन सी मुझसे कम हो। हाँ जाओ जाओ। बस को बस स्टैंड में आते हुए अक्सर देखता हूँ, लेकिन बस स्टैंड को बस के पास आते हुए मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है बाबा। लगे रहो गुरु। जी उठो ना। क्या हुआ? जो मैं लाई हूँ वो तुम्हें आंखें बंद करके खाना है, चलो उठो ना। उठने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खिला दे खा लूंगा। सोते सोते नहीं उठिए ना। खिलाना उठिए ना। तू भी ना उठो ना जल्दी। इस वक्त जो मैं तुम्हें दूंगी वो तुम्हें आंखें बंद करके खाना है, उसे खाने के बाद तुम मेरे पीछे चक्कर लगाने लगोगे। ये आइडिया तुझे किसने दिया? दादी ने। अच्छा दादी ने दादाजी के पीछे ऐसे नुस्खे बहुत अपनाए, कोई फायदा नहीं हुआ। चला पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है जा जाके ले गया। क्या हुआ? खाली खाली डिब्बा लाती है और बोलती है कि खाली है, चल भाग। मैं सच कह रही हूँ, मैं लाई थी। लाई थी तो फिर डिब्बे में होना चाहिए ना। ये देखो इस सब जो मैं तुम्हें दूंगी वो तुम्हें आंखें बंद करके खाना है, उसे खाने के बाद तुम मेरे पीछे पीछे चक्कर लगाने लगोगे। सुनो ना हंस क्यों रहे हो, बताओ ना क्यों हंस रहे हो, बताओ ना मुझे भी जानना है। रुक बताता हूँ। ए विद्या। क्या है प्रभु? अबे पहले मुंह तो पहुंच। ये बहुत दिनों से तुझे पटाने की ट्राई कर रहा है, संभाल के रहना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए मैच हो या ना हो, खाने के मामले में बिल्कुल बराबर हो, सदा सुखी रहो। पागल है सर, तुम 100 में से 100 मार्क्स ले आओगे तो ऐसी 100 लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। बात खराब कर दिया तुमने। सुनो ना। मुझे हर हाल में नौकरी पानी है। ये बात तो तुम पिछले 2 साल से कह रहे हो। ओए। जिस तरह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस तरह 13 लाख लड़के पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नंबर के हिसाब से इंटरव्यू ऑर्डर आता है। अच्छा सुनो तो सही, रिश्वत देकर तुम्हारा नंबर आगे नहीं कर सकते हैं क्या? सच्चाई का रास्ता अपनाना है, नो शॉर्टकट। अच्छा ये बता, पैसा रहकर भी कोई क्या कर लेता है?
अरे वो लोग भी तो मेरी तरह पढ़ाई करके नौकरी के इंतजार में जाने कितने दिनों से बैठे हुए हैं। और अगर तुझे इतनी जल्दी है तो बाप को बोल के दूसरा लड़का ढूंढ ले। अब तेरा चेहरा क्यों उतर गया? चल चलते हैं। छोड़ो मुझे। ए, ये सारे एग्जाम्स तो मैं तेरे लिए ही दे रहा हूं ना। चल, अगर मेरी खुद की दुकान होती तो अब तक लाखों रुपए कमा चुका होता, लेकिन तेरे बाप को ये मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। 1969 में एसएससी में पूरे जिले में फर्स्ट आया था दामाद जी। गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिली। लेकिन मुझसे कम मार्क्स पाने वाले आज गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। इसे मैं वो दिलाना चाहता था, लेकिन ये तो आठवीं में ही फेल हो गई। खाओ खाओ। तुम्हें दामाद जी मेरा सपना पूरा करना होगा। कम पगार मिले तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें गवर्नमेंट की ही पगार लेनी होगी। उस हाथ में गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आओ। इस हाथ से मेरी लड़की का हाथ थाम कर उसे ले जाओ। ये लेफ्ट हैंड है ससुर जी, राइट हैंड में अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना। आपकी बातों में तो दम है। बस कुछ ही दिन इंतजार कीजिए। जैसा आपने कहा, इस हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा और इस हाथ से आपकी लड़की को यहां ले जाऊंगा। इस वक्त आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। लाऊंगा ससुर जी, आपकी शर्तों के साथ मैं जरूर इंसाफ करूंगा, मुझे मंजूर है। तो अब मैं चलता हूं। मेरे यार, गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी तेरे ससुर को मंजूर है ना, तो सोचो वही एक जिद को पकड़कर बैठे रहेंगे तो फिर ये शादी पता नहीं कब होगी और नौकरी कब मिलेगी। ए, हिम्मत रखनी चाहिए। अच्छा, हिम्मत से मिल जाएगी क्या? मुझे पता ही नहीं था। ये रहे बाकी पैसे। हाँ ठीक है, आमलेट लाया है ना? हाँ लाया हूँ। तू भी आ गया क्या? ये अपना बच्चा, इसे भी एक पैक दो। ए, चुपचाप सो जाना। इसे भी एक पैक दो। प्रभु, इस महीने मुझे कैसे भी लोन मिल जाए ना, एक बार अपना इंस्टीट्यूट चालू कर दिया और सब कुछ सेटल हो जाएगा यार। इसका चक्कर भी चल जाएगा ना। अरे बाप रे, प्रभु इसने क्यों ढकेला मुझे पता है? नहीं पता यार, तू जानते हुए भी नहीं जानने जैसा नाटक क्यों कर रहा है? अब बढ़िया सो जाना। मुझे पूरा विश्वास है इस साल मुझे गवर्नमेंट की नौकरी जरूर मिल जाएगी। मेरा पासपोर्ट मिल गया तो मैं भी सीधे दुबई भाग जाऊंगा। तो भाग कर क्यों जाएगा? हम सब लोग नहीं है क्या? राजा राजा की तरह तुझे भेजेंगे। चलो उतरो उतरो, लास्ट स्टॉप लास्ट स्टॉप लास्ट स्टॉप। बेटा सुधीर, कितने दिन हुए तुझे देखे, कम से कम कभी कभार तो फोन किया करो। घर पर सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है आंटी, प्रभु से अक्सर मैं बात करता रहता हूँ। उसने आपको बताया नहीं क्या? अरे वो कहाँ बताता है, चल अंदर आ। अरे सुधीर, आओ बेटा। कैसे हैं अंकल? ठीक है बेटा। प्रभु, पहले ये बताओ कौन सा कोर्स किया तुमने? लॉ, लॉ की पढ़ाई की इसी साल। गुड, सुन लिया? बिना मतलब की पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेने का क्या फायदा? लॉयर है ये। शुरू हो गए? चुप रहिए, तुम बैठो बेटा। बैठो, मैं आता हूँ। आंटी, पवित्रा कहाँ है? वो कॉलेज गई है। और प्रभु? बहुत हो गई धुलाई, आप चले यहाँ से। मेरे यार, एक भिखारी हो या वीआईपी हो, अपनी चड्डी को अक्सर धोते रहना चाहिए, नहीं तो बदबू आने लगती है। हमेशा कुछ ना कुछ बकता ही रहता। अरे सुधीर, तू कब आया? ये तुम्हारे घर पहुंचा था, तुम यहाँ थे तो मैं यहाँ ले आया। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। बचपन में स्कूल में तेरे लिए मैंने कितनों को मारा था, याद है ना? अच्छा वो छोड़, अचानक कैसे आना हुआ? शादी की दावत देने आया होगा। चल इसे पहले मंदिर लेकर चलते हैं। चलो
हमारे गांव के मंदिर का मेला देखना बॉस, हम सब लोग वहाँ व्हाइटम व्हाइट में रहते हैं, यहाँ तो लुक्खे लगते हैं लेकिन वहाँ चमकते हैं। विनोद का घर यही है क्या? क्या हुआ साहब, उसने कुछ गलत किया क्या? उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, उसकी वजह से मेरी बेइज्जती ही होती है। वो मेरा बेटा नहीं है साहब, उसको मैं ढूंढ कर लाऊंगा, आपको मिले तो चार डंडे मारूंगा। बाबा चुप रहो, उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है क्या? जी हाँ, उसी की इंक्वायरी के लिए आया हूँ, अगर वो है तो बुलाओ। वो तो सर, सर वो मैं ही हूँ। विनोद तुम ही हो? जी हाँ साहब, मेरा पूरा नाम है विनोद, वो लोग मुझे विद्या बुलाते हैं। इसके पिताजी आप ही हो क्या? जी हाँ। जन्म तारीख? सर 20/12/85 सर। राशन कार्ड है क्या? है ना सर। तो उसे ले आओ। जी ये लीजिए। पासपोर्ट कब तक मिल जाएगा? और 10-15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर करो। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे सुन बेटा, ये सिलेक्शन कमेटी का लेटर है तुम्हारे लिए। मुझे तो क्या हुआ? अरे जरा रुकना। क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ इनसे मांग रही हूँ, हमेशा से मुझसे भाव खाते हैं। वैसे खाना क्या बना है? मुझे एक बार यहाँ आ जाने दो, फिर अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ऑफिस से एक लेटर आया है ना? हाँ आया है, और 26 तारीख को मुझे हाजिर होना है, लेकिन तुझे उससे क्या? 26 को? हाँ। उससे पहले हम लोग मेरे पिताजी के पास चलते हैं। चलो चलो, इस लेटर को इस हाथ में पकड़ो और मुझे इस हाथ में। चलो चलो। रुक तो, ये इंटरव्यू लेटर गन चलाना सीखो इसलिए आया है, और न जाने कितने लोगों को आया होगा। जाके पहले मिलना पड़ेगा, सवाल जवाब होंगे, उसके बाद जब ये साबित होगा कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, तब गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, फिर शादी। अब समझ गई ना? मुझे पक्का यकीन है कि तुम सारे एग्जाम्स पास कर लोगे, क्योंकि क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। एक महीने में तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, ठीक है जी। अमाउंट कंपनी के नाम से भेजेंगे, मटेरियल की डिलीवरी भी वहीं कर देंगे। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। पापा पापा सुनिए ना, आज मुझे किसी से मिलने जाना है, अपना स्कूटर दे सकते हैं क्या? नहीं दिया तो? नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले लूंगा। लाइए, पवित्र आई है पापा। कहाँ है? पापा चिल्लाइए मत। ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगा। ये बताओ कहाँ है? बताओ बताओ कहाँ है? खड़ी है, नजर तो घुमाइए। ओ, प्यार करने वाली लड़की के पीछे पैसा ना उड़ाओ तो चलेगा, लेकिन दिए हुए टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है मालिक, नमस्कार। अच्छा ये बता, उसके घर वालों को पता है क्या? उसके भाई को सब मालूम है, फिर भी अनजान बना रहता है वो। वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठाना है, डिसेंट बन के रहने का। माय डियर फादर, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। जल्दी आओ ना, अरे कोई जल्दी आओ, इधर देखो। अरे अरे जल्दी आओ, कोई डूब रहा है, जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इनको जल्दी आओ, जल्दी बात करो। क्या हुआ सुधीर को? उसे तैरना नहीं आता, ये जानते हो बेबी, तुम उसे यहाँ क्यों ले आया? और साथ में आया तो ध्यान रखना चाहिए था। तेरी तो प्रभु, वो कब पूरा मुझे नहीं पता, शायद वो खुदकुशी करना चाहता था। राठी,
ऐसा क्यों किया तूने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद पानी में कूदा है, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। सुधीर, ए सुधीर, सुधीर। अच्छा ठीक है रोमन, यहाँ देखना सुधीर, ए सुधीर, सुधीर। ए, ये क्या मजमा लगा रखा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ अच्छा हटो हटो, सब साइड हटो, हाँ चलो तुम भी हटो, अरे साइड हो जाओ ना बाबा, हटो। ए उठाओ उसे, चलो उठाओ, इसे उल्टा करो, वो दीवार के पास ले चलो, हाँ जल्दी जल्दी ले चलो, संभाल के उसे छोड़ना मत, जोर से पकड़ो उसे, ऊपर उठाओ जल्दी, हाँ संभाल के उसे और ऊपर उठाओ, अब नीचे करो, ऐसे ऊपर नीचे करो, अब फिर ऐसे ऐसे हिलाओ उसको, ऐसा फिर उठाओ, फिर नीचे करो, हाँ फिर उठाओ थोड़ा नीचे, चलो फिर उठाओ, हाँ ऐसा, अब हिलाओ इसे जल्दी से हिलाओ, हाँ अब अच्छी तरह से हिलाओ, अभी उठाओ, हाँ हाँ ऐसे, हाँ नीचे ले लो, हाँ बस हो गया, हाँ चलो बस हो गया, हो गया हो गया, हाँ चलो हटो तुम लोग इसको आराम से बैठाओ उधर, आराम से, हाँ हाँ हाथ पकड़ लो गिरने ना पाए, हाँ बढ़िया, हाँ हाँ, ए अब तू नहीं मरेगा, क्यों छोटे प्यारे, देखा ना इस तरफ बचाया जाता है, ये नहीं करने का, सुधीर 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 बच जाओ, ऐसे नहीं बचेगा, जाओ इसका ख्याल रखो, दोबारा ऐसा ना करे ये, हाँ ठीक है, अरे चलो रे, जान बचाने वाले चिंता मनी की, 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 साले कमीने इतने क्या किया, मरने के लिए तू मेरे साथ रहता क्या, बता तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ को अपने क्या जवाब देते, बता विद्या, छोड़ नहीं प्रभु छोड़ मुझे, तू आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया लेकिन इसकी वजह से तूने मुझे मारा, साले चुप रहना, ए क्यों किया तूने ऐसा, ए भाई बताना, प्रभु का दोस्त है तो हमारा भी है, बताना क्या बात है, ए जरा चुप रहना, ए सुधीर, अरे क्या हुआ बोलना, तो ये लव का चक्कर है, कौन है यार, सुषमा तुम कैसे इंसान हो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मेरे पीछे मत आओ, समझ में नहीं आता, आता तो क्यों आता, जब तक तुम प्यार नहीं करती तब तक पीछे आऊंगा, इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में भी पीछे आऊंगा, मेरी बेइज्जती मत करो, मेरी भी बेइज्जती हो रही है, ठीक है मैं आखिरी बार पूछता हूँ, मुझसे प्यार है कि नहीं है, नहीं है, हाय सुधीर, अब नहीं है, अब है, नहीं यार, अब जरूर होगा, नहीं, अगर मैं नदी में कूद जाऊँ तो प्यार करोगी, नदी में भी कूद जाऊँ तो भी प्यार नहीं करूँगी, सुषमा आई लव यू, मुझे तैरना नहीं आता, अरे ए, कोई पानी में कूद गया जल्दी आओ, अच्छा सच बात तो यही है कि पानी में गिरने से ही तुम्हारा फैसला हुआ है, और बस उसके बाद वो मुझसे प्यार करने लगी, ओहो आजकल की लड़कियों को लड़कों को पानी में ढकेलने के बाद ही उनसे प्यार होता है, अब जान देने पर आ जाओगे तो कैसे प्यार नहीं होगा, सही कहा ना, पता नहीं उसके घर वालों को ये बात कैसे पता चल गई, कैसे पता चल गया ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतों से ही पता चल गया होगा, ए प्रभु ये लोग कैसे हैं मुझे पता है, लड़की के हाँ बोलने तक ये लोग साइलेंट रहते हैं, और जैसी लड़की ने हाँ बोल दी तो बाइक में बैठाकर पूरा का पूरा शहर घुमाते हैं, अब पता नहीं चलेगा तो और क्या होगा, अरे मेरे बाप तू जरा अपना मुंह बंद रखेगा, क्यों नहीं मेरे बाप, तुम लोग भी कड़क हो, तुम लोग ही बात करो, ये दढ़ियल ना, ओ बॉस बताओ ना तुम, उसके बाद वो उसको लेकर कहीं और चले गए, अपनी माँ से तो बात करनी चाहिए थी ना, मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और किया है सेंट्रल मिनिस्टर की लड़की के साथ, मुझे वो पसंद नहीं है, अगर मैं उसे नहीं मिला तो सुषमा अपनी जान दे देगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, अरे तो आते ही बोलना चाहिए था ना, मरने के बाद क्या खाक प्यार मिलता, अक्ल का अंधा, नहीं प्रभु, इस संसार में जो प्यार करता है उसे हिम्मत रखनी चाहिए, तेरे तो फ्रेंड्स भी है ना, अब देखना वही फ्रेंड्स तुम दोनों को एक करेंगे, तेरी शादी होके रहेगी, हम करेंगे, हाय चंद्रू, प्रभु आपसे मिलना चाहता हूँ, फोन किया था, ये लो मेरी गाड़ी वहां पर है, ले जाओ, गाड़ी का कुछ एडवांस भाड़ा, अरे एडवांस की क्या बात है, दोस्त है चलता है, थैंक यू सर, चंद्रा मैंने पूरी तैयारी कर ली है, घर के सामने मेरा वेट करना, लेकिन एक बात है किसी को शक नहीं होना चाहिए, आइडिया है क्या हुआ,
वो क्या है ना, अगर मेरे पापा ने कभी कोई आनाकानी की ना, तो तुम मुझे भी इसी तरह भगा के ले जाओगी ना। और सुनो ना, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार सिग्नल दे देना, कबूतरी की तरह तुम्हारे पास उड़ के चली आऊंगी। ए पागल, उन लोग का लफड़ा कुछ और है, हमारी बात वैसी नहीं है। तेरे पिताजी की बातों में न्याय है, वो जो मांग रहे मैं उन्हें दूंगा, और जो मैं मांगूंगा वो मुझे देंगे, समझी ना। ऐसा क्या? क्या ऐसा क्या? तुम्हें काम निपटाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे ना। हाँ तो तब तक उसकी सहारे में जी लूं, ऐसा कुछ देख के जाओ ना। ओह, मैं तो ये भूल ही गया था, तेरे बाप से 2 रुपए मांगो तो वो भी देने के लिए 24 बार सोचेगा। ये ले, ये 50 रुपए रख ले, कोई भी आलतू फालतू चीज लेकर खाई ना तो बस्ती से तोड़ दूंगा। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था। तो और क्या चाहिए तुझे? यहाँ आओ ना जल्दी। किस लिए? कोई नहीं है। रुक जा। अब जल्दी करो ना, पप्पी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते। ए, चुप कर। दामाजी, मैं यहीं पे हूँ। अपॉइंटमेंट ऑर्डर। सॉरी ससुर जी, आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, अच्छा लगा। पवित्रा, ये किस लिए? अगर उन दोनों का प्यार कामयाब नहीं हुआ और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, उस वक्त के लिए तुम्हारे लिए ये पैसे जरूर काम आएंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर ये तुम अपने लिए रख लो। हे, तेरा भाई आ रहा है, अंदर जाना। आ रहे हैं तो क्या हुआ? जाना जाना, देख लेगा। अरे जाना, अंदर जाना। देख, हम लोग वहाँ पे पिकअप कर लेंगे। हाय, कितनी देर लगा दी? मैं कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हुआ, तूने कुछ देखा क्या? नहीं तो। बहुत अच्छा नौटंकी बाज है तू यार, देख कर भी नहीं देखा जैसी एक्टिंग कर रहा है, बहुत शाना है दोस्त। अरे फोन किसका है? माँ का फोन आ रहा है। उन्हें पता है तू यहाँ आया है? नहीं पता। तो फिर अपना फोन स्विच ऑफ रखना। सुषमा का फोन आया तो? अच्छा भाई, हम लोग कौन सी जगह जा रहे हैं? लफड़ा गांव। क्या? चित्रनगरी के पास लफड़ा गांव। गांव के नाम के पहले ही लफड़ा यार, अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा, हम 2 दिन में वहां से काम निपटा कर लौट जाएंगे ना? लौट भी सकते हैं, नहीं भी लौट सकते। क्या? ए प्रभु, कोई लिफ्ट के लिए खड़ी है। तो उसे तुझे क्या लेना देना यार, वो बेचारी अकेली है, उसे जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप कर देते हैं ना। इसकी मत सुनो, आगे चलो। क्यों, क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते हैं? तेरे काम के लिए जा रहे हैं ना हम लोग। चल गाड़ी रोक साइड में। चुप करना, चला क्यों रहा है? नाराज क्यों होता है मेरे दोस्त? कोई भी अगर हमसे मदद मांगता है तो हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? और ये भी ऐसे ही है बॉस। और फिर लड़कियों के मामले में मैं जरा नरम दिल हूँ। रोक ना। एक्सक्यूज मी, आप पीछे आ जाइए। आइए 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 बैठिए। आप बाहर आएंगे या फिर मैं अंदर आऊँ? आप अंदर आइए ना, आप ही के लिए मैं इन सबसे झगड़ा करके तो गाड़ी रुकवाया हूँ। चल बाजवट, सच में तुम्हारे लिए झगड़ा करके मैंने गाड़ी रुकवाई है। चल गाड़ी चला। अभी लिफ्ट जिससे चाहिए था उसे मिल गया, अब ब्रेक में पैर रखे बिना ही बिंदास गाड़ी भगा यार। दड़ियल तो हमेशा अपने हद से आगे बढ़ जाता है। तुम लव के मूड में हो और मैं लाइफ के मूड में हूँ, तुम क्यों ना जम करके पीछे बैठ जाते हो? तुम्हारे दिल में बताओ ना क्या है। विद्या, बहुत मार खाएगा तू अभी। अरे रुको रुको, जरा गाड़ी रोको चंद्रा। अब क्या हो गया? अरे नीचे उतरना। अरे चल उतरना यार। उतर रहा हूँ यार। उसे क्या चाहिए पूछ के आता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी,
आपके लिए चाय ठंडा कुछ लाऊं क्या? क्या पियोगी? ये ले तेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ओके बॉस। एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया यार। कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही? ए, ए, कहाँ चली गई? अरे अरे नारकली कहाँ चली गई? हेलो, अरे कहाँ चली गई वो? अरे भाई साहब किसी लड़की को देखा क्या? किसी को नहीं देखा। अब मैं उसे कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू इतनी रात में? नीचे भी नहीं है। नहीं मिल रही, अब कहाँ ढूंढू उसे इतनी रात में? एक पैक टिका कर गायब हो गई यार। दिल देखकर जो आती है वो आखिर तक रहती है, जेब देखकर जो आती है बीच में साथ छोड़ देती है। भाई चाय पिला यार, गर्मा गर्म देना भाई। प्रभु वो सांड पता नहीं हमें क्यों घूर रहा है। अबे वो एक है, हम लोग चार हैं, और तू उसकी तरफ क्यों देख रहा है? छोड़ ना, चाय पे। चुप नहीं रह सकता है क्या? वो भी एक इंसान है। हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। वो इसी गांव में है? ठीक है, मैं अभी उसी तरफ निकल रहा हूँ। कौन है? अरे अपना गोविंदा यार। इसी गांव में उसका होटल है। सही है यार, सही इंसान है वो। बॉस समझो तुम्हारी शादी हो गई। वो अकेला ही काफी है, अच्छो अच्छो को निचोड़ कर चीर फाड़ कर रख देगा। तुम लोग किसके घर से किसकी बेटी को उठाने आए हो, ये बात पता है? परम शिवाजी की लड़की को। ऐसा बोलो कोई सुन लेगा? उसके घर में घुसकर उसकी बेटी को कैसे उठा सकते हो? उसके पास सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। उसको पता चल गया तो उसके आदमी हम लोगों को पकड़कर मुर्गी की तरह काट डालेंगे। इसके घर वाले भी कोई मामूली नहीं है, एक्स एमपी है, सियासत में बहुत मंजे हुए हैं। नमस्कार। ये और आया। प्रभु सबसे अच्छा है इसकी माँ के जरिए इसकी बात क्यों नहीं कराते? वो सब कराने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग खुद को साबित करने के लिए निकल चुके हैं। क्या कहा, साबित करने? जी हाँ। तो मुझे फंसाने के लिए आए हो? अब तुम हमारे साथ शामिल हो चुके हो। आज के बाद जो भी अच्छा बुरा होगा तुम उसमें हमारे साथ बराबर के भागीदार होगे। अब खाना आबेल, मुझे मार वाले लफड़े से बचने के लिए मैं अपना गांव छोड़कर 100 किलोमीटर दूर आकर बसा, और तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गए। बेकार की नौटंकी मत दिखाओ, तुम्हारा साथ दोगे कि नहीं ये बताओ। तुम इतने बड़े होटल के मालिक हो, चार आदमी के सामने बड़ा बनने से ये क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि ये होटल मेरा है? नहीं कहा। तुम लोग क्या नाप सनाप बातें कर रहे हो? देखो तुम लोग एक शब्द भी फालतू बात मत करो। चुपचाप खाना खाओ। भाई नमस्ते। भाई नमस्कार। खाने में क्या लो भाई? एक प्लेट पूरी भाजी। अच्छा? ले आओ। ए, भाई के लिए एक प्लेट पूरी भाजी। लगता है यही वो लड़की का बाप है। तो चुपचाप खाना। वो है ना उस घर का ड्राइवर है। क्या? उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ड्राइवर है तो यहाँ क्यों आया? अब खाना खाना बे। इसके घर वाले इसे घर से बाहर निकाल दिए क्या? तो मेरी खाल उधेड़वाएगा। प्रभु तू इसे थोड़ी अक्कल देना। हम्म।
कितने पैसे हुए? हाँ भाई 20 रुपए। ये लो। ठीक है चेंज रख लेना। हाँ। ए प्रभु कहाँ जा रहा है? अरे बाबू ये क्या कर रहा है? मुझे मरवाएगा। सर कोई आया है इसे मालिक से मिलना है। नमस्ते सर। नमस्ते बैठो बोलो क्या काम है? वो पुराना डैमेज हो चुका सामान जो आप यूज नहीं करते ऐसा कोई भी स्क्रैप आपके पास हो तो वो हमें चाहिए हमारी कंपनी के लिए। क्यों? उन्हें रिपेयर करके नया शेप देकर मार्केट में लाना हमारी कंपनी का काम है। तुम्हारी तरह हम भी हैं, नए से ज्यादा पुराने की इज्जत करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। हम पुरानी चीजों को नहीं बेचते। हाँ जीजा जी आपने बिल्कुल सही कहा। क्यों भाई तुम दूसरे गांव के हो क्या? जी हाँ सर, यहाँ भी हम दूसरा दुकान खोलने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तुम्हारी बातों से पता चला। मुझे लगता है बड़ा लफड़ा होने वाला है, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रभु तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ डर कैसा, तुम हो ना हमारे साथ। मैं क्या उखाड़ लूंगा। तुम बहुत कहते थे ना प्यार करने वालों के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। हाँ यही कहा था। तुम लोग मुझे रोड पर लाकर खड़े कर दोगे? इस वक्त तुम कहाँ हो? वृद्धा फालतू की बातें नहीं, आज रात हम लोग जाएंगे और उसे उठाकर लाएंगे बस। राजा जाओगे नहीं, जाना भी मत, मुझे छोड़ दो ना यार। इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं दोगे? वो ब्रह्मा भी आकर बोल दे तो मैं बोल देता हूँ नहीं जाऊंगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो समझो कि गए। चल जा। ए जाओ। ए जाओ। ए किससे कह रहा है तू? तू जाना, जाके उसे लेके आ। हमेशा मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाते हो? ए, जाना। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ।
मर गया। कौन है रे तू? यहाँ क्यों आया है? भाई साहब मैं इस गांव में नया हूँ। सच सच बोल। मैं परदेसी हूँ। जीजू चोर है। जीजू क्यों आए हो? चोरी करने के लिए आया था साहब। कितने घरों में चोरी किया? अरे नहीं साहब, मैं उस किस्म का चोर नहीं हूँ साहब। पेट की आग बुझाने के लिए कभी कभार छोटी मोटी पाव रोटी पर हाथ मार लेता हूँ साहब। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं उस कुएं में गिर गया था साहब। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अयो, पूरे बदन में दर्द हो रहा है साहब। साहब अगर 150 मिल जाते तो खाना खा के एक पेन किलर लेके अपने गाँव वापस चला जाता साहब। जीजू इसे जाने मत देना। एक तो चोरी करने के लिए आया है, ऊपर से मजाक सूझ रहा है। मैं रुको, मैं बात करता हूँ। सही है जीजू। दोबारा इधर देखना नहीं। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम बेकार में रिस्क उठा रहे हैं। मान लो हम लोग डायरेक्ट जाकर उनकी लड़की का हाथ मांगते हैं तो वो खुद शादी करा के भी दे सकते हैं। तुम्हारी क्या राय है? कर देगा मेरे बाप, कर देगा। जब उसे पता चलेगा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो तो जैसे मच्छी को चीर कर सुखाते हैं वैसे सुखा कर रख देगा। तुम हमारा साथ देने के तैयार नहीं हो ना, फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो? एक तो खाए बिना मुझे डेंगू बुखार चढ़ गया है, ऊपर से तेरी ऊट पटांग बातें, मेरी तो डर से जान निकल रही है। तुम्हें हमसे इतना प्यार है क्या? तुमसे प्यार व्यार नहीं है। तुम लोग फंसोगे तो मैं भी फंसूंगा, यही डर लग रहा है मुझे। तुम्हें क्या फंसाना, तुम खुद ही एक दिन अपने आप फंस जाओगे। क्या क्या कहा? मैं कैसे फंस जाऊंगा? मैंने क्या गुनाह किया है जो फंस जाऊंगा? ए तुम्हें बताओ मैं कैसे फंस जाऊंगा? ए तू बता, चल भाग यहाँ से, तू अपने गाँव जा, तेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, चल भाग यहाँ से, चल उठ, भाग यहाँ से। ए रहने दो यार, बैठो यहाँ पे। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, मुझे लगता है इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होगी। और कोई रास्ता नहीं है, दोनों हम पर विश्वास करते हैं। एक बार शेर की पूछ पकड़ी तो फिर छोड़नी नहीं चाहिए। नमस्ते मैडम। उसके मिलते ही मुझे फोन करना, मेरा लड़का लापता है। फोन करती हूँ तो रिसीव नहीं कर रहा। वो इसी गांव में है, अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार परम शिव मूर्ति है। ये क्या नाटक है? वो कहीं भी जाए मुझसे क्या? मेरी लड़की सेफ है। इसका मतलब मेरा लड़का भी सेफ है। अगर मेरे लड़के को कुछ भी हो। मैडम ऐसा कुछ होने के लिए हम छोड़ देंगे क्या? इनसे मिलिए, हमारे पार्टी सेक्रेटरी। नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप क्यों घबरा रही हैं? ये हमारा काम है, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हेलो मैडम। हाँ बोलो। आपका बेटा इस वक्त इसी गांव में है। थैंक यू। मेरा लड़का इसी गांव में है। उस परम शिव मूर्ति के घर के आसपास अपना कोई आदमी रखो। उस घर में कौन आता जाता है मुझे खबर चाहिए। वो लोग मंदिर के अंदर है। लड़की भी है ना? उसके साथ एक और लड़की है, बॉस ने बताया। चलो। ए चलना भी ना यार। अरे प्रसाद, तुम सच में उससे प्यार करती हो? रुको मत, चलते चलते मेरे सवालों का जवाब दो, चलती रहो। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मंदिर से बाहर निकलते ही तुम्हारा किडनैप कर लेंगे, तैयार रहना। हा? फिर तुम्हारी शादी होगी, हम लोगों को कोऑपरेट करो। वो कहाँ पर है? गाड़ी में है वो। फिर मेरी डैडी? हम उन्हें संभाल लेंगे।
कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए। ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था। कहाँ मरने चला गया? मुझे जाना है। अरे दे दो, दे दो मुझे। जहाँ प्रसाद बढ़ता है वहाँ लाइन लगा के खड़ा हो जाता है। चला दे दो, दे दो, ये लोग भी आ गए, दे दो इनको भी। चल ले अबे, अपनी हाथ छोड़ ना। अरे मुझे यहाँ घसीट कर क्यों लाए हो? अभी तक मैंने देखा भी नहीं कि वो लड़की कौन है। हम लोगों ने देख लिया है उसे। क्या? लेकिन मैंने तो नहीं देखा ना। तू तो प्रसाद के चक्कर में पड़ा था। ये नहीं चलेगा बीड़ू, जब तक मैं उस लड़की को नहीं देख लेता तब तक कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। जरा चुप रहे। मैंने उससे सारी बात कर ली। किसके साथ? अरे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। अब वो 5 मिनट में किडनैप हो जाएगी और तेरी माँ भी यहीं पर है। माँ यहाँ है, चलो चलो भागते हैं। माँ का नाम सुनते ऐसे कांपने क्यों लग जाता है? माँ यहाँ पर अकेली नहीं आई होगी, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाई होगी। ए, तेरी माँ के पास कितने भी लोग रहने दे, इस गांव के कुछ लोग हमें भी जानते हैं। परम शिव मूर्ति ने मुझे किडनैप किया है। माँ हाँ? माँ मुझे बचा लो माँ। चलो गाड़ी में। ए, परम शिव मूर्ति पता कहाँ है मेरा बेटा? देख मैं पूछ रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को किडनैप तुमने ही किया है, उसे तुमने कहाँ छुपा रखा है और उसे क्यों मार रहे हो? ए, जाना जाए यहाँ से। ए, रुक जाओ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे जीजू ऐसा नहीं है। चुप। ए, एक औरत की हद तक रहो। ए, इज्जत से बात करो। आप हमारे इलाके में आकर हमें ही धमका रही हैं। ए, मैं भी इसी गांव का हूँ। अच्छा सुन, तू इधर ही रह। सुषमा कहाँ जा रही है? देखिए रोकिए हाथ तीसरी लीला दिखला दे, तांडव की भीत गिरा दे, तू नफरत की जान से भर दिल को, चाहे पीछे हो कोई भी सेना हो, चाहे दुश्मन की तोड़ सरहद, तू गुरूर की चाहे ईश्वर कहो अल्लाह, हम सबको एक बनाया है धरती माँ हम सबकी, फिर किसने भेद सिखाया, जो प्यार के दुश्मन बंदे वो सबका दुश्मन मारो, जीना चाहे जीने का हक
तांडव की भीत गिरा दे तू नफरत की जान से भर दिल को चाहे hey! हो कोई भी कहे ना हो चाहे दुश्मन की दोस्त सरहद तू गुरूर की जीत होगी तेरी संग होते दुख में कोई नहीं मिलता जो दुख में संग रहता है यारी पे जुट जाए यारों में जो रुक जाए जब के अलावा वो ही दुनिया में जब कहलाए प्यार में जान खेले वो अपनी किस्मत लिखे
चलो आजा, आजा। शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो आजा आजा जल्दी जाओ जाओ ए जाने दो जाओ जाने दो ए रुक जा ए शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो मेरी जान निकलने से पहले वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, ये बात तो सुन लो। प्रभु वो लोग पैसा जमा करने के लिए कह रहे हैं। कितना? प्रभु वो लोग पैसा जमा करने के लिए कह रहे हैं। अरे कितना? ए प्रभु इधर ना, इधर ना। ए प्रभु अभी तक सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया है, 25,000 जमा करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। अरे विदा एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा था यार, उसे सुनाई नहीं दे रहा यार। प्रभु विद्या मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है? हाँ? मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है क्या? अबे मैं जो बोल रहा हूँ वो तुझे सुनाई दे रहा है क्या? उन्हें सही सलामत पहुंचा दिया ना? प्रभु उसका कान फट गया, हम लोग जो बोलते उसे सुनाई नहीं देता यार। लोग को सेफ जगह पे पहुंचा दिया है ना, छूना नहीं, मुझसे दर्द सा नहीं जा रहा है, अंदर हड्डी का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, दर्द के मारे शरीर कांप रहा है। प्रभु कुछ ना कुछ करने के लिए डॉक्टर को बोलना, लगता है मेरा पैर काटना पड़ेगा।
हेलो महेश, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, उसे इस वक्त कहाँ रखा है? मैं अभी आ रहा हूँ, उसे एसपी के आगे सरेंडर करवाएंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों पता रहे सर? अरे मुझे तो नहीं पता। अरे बाप रे, अरे बाप रे। तुमने तो कहा था हमारे साथ नहीं दोगे ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? चलो जाओ यहाँ से। मेरे सर पर टोपी दिख रही है क्या जो तुम मुझे जोकर समझ रहा है? एक घुसा दूंगा तो थोबड़े का मैदान बन जाएगा। यहाँ से ऐसे भगाऊंगा कि अपने गांव में जाकर रुकेगा। क्यों चिल्ला रहा है बे? सर सर, ये लोग मेरे गांव वाले हैं, मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि खाना पीना खाया या नहीं, बस इतनी ही बात है। अब आवाज की तो मारूंगा तुझे। मैंने कहा था ना एक दिन तुम अपने आप ही फंसोगे। कोई बात नहीं, जितना चाहो गाली दे दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, पैंट पहनने वाले आस्तीन के सांप हो। मरवा दिया रे बाप, मैं मुश्किल से सुधर रहा था, इन लोगों ने फिर से बिगाड़ दिया। इनसे दूर ही रहना अच्छा होगा। हाँ सर, बात क्या है पता नहीं चला, सुना उसे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है सर, मैं वहीं पे जा रहा हूँ सर, मैं जाके आता हूँ। संभल कर जाना। पुलिस और कानून के लफड़े में फंस गए तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं, सब कुछ खत्म। हमने तुम्हें इसलिए अरेस्ट किया ताकि उन लोगों से तुम्हें बचा सके। देखो मैं भी प्यार की इज्जत करता हूं, वो दोनों लॉ के स्टूडेंट है और पैसे वाले भी, तुम उसे हमारे पास ले आओ, हम उसकी शादी करा देंगे। आपसे कई ज्यादा पावर उन दोनों के पेरेंट्स के पास है, वो उन्हें अलग कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम उनको सिक्योरिटी देंगे और तुमसे लिखवा कर ले लेंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, ये लो फोन करो। लेटर आपको मिल जाएगा सर, आ जाएगा, छोड़ो ना। तब तक तुम लोगों को अंदर रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर। ए सर, ले जाओ इसको। यस सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ। ए जो मैं पूछ रहा हूं वो इसे पेपर पर लिख कर दो। ओके सर। सुधीर से मिलकर तूने क्या पंगा किया? मैंने कुछ नहीं किया। सुधीर तेरा क्या लगता है? वो प्रभु का फ्रेंड है। तुम इन लोगों के साथ कैसे थे? प्रभु मेरा फ्रेंड है। होटल के गोविंदा मोटुमल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा बॉस है सर। उन लोगों को छोड़ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पता नहीं कौन से केस में फिट करेंगे। मुझे डाका डालने के लिए मेरा ही घर मिला था। छे। ए। मेरी लड़की कहाँ है? वो बहुत ही खुश है। तेरी खुशी को तुम्हें? अरे ऐसे मैंने बहुत देखे हैं सर, ये फर्ज आपको निभाना चाहिए था जो आपने नहीं निभाया, इसलिए आपका काम मुझे करना पड़ा। बाप सिर्फ बाप ही होता है, माँ भी वैसे ही निकल गई। फ्रेंड्स ही सब कुछ कर सकते हैं सर, वो लोग कहाँ है ये मैं नहीं बता सकता, आपको जो करना है वो जाके कर लीजिए, जाइए।
चलिए। इन्हें आराम से बिठाकर खिलाओगे तो क्या बताएंगे ये लोग? हमें क्या करना है वो आपको नहीं बताना है। मुझे अपनी लड़की तक कैसे पहुंचना है जानता हूं मैं, बाकी सब मैं देख लूंगा, इनको छोड़ दो। तो फिर कंप्लेन क्यों किया? मैंने कहा किया। तो फिर किसने किया? मैंने किया है। एक्शन मत लेना ये कहने आए हो? बहुत बढ़िया, मेरे ही बेटे को छिपाकर मेरे ही साथ नाटक खेल रहे हो, है ना? ये बताओ उन लड़कों को कितने पैसे दिए थे तुमने? बहुत से आगे बढ़ रही हो, भूल जाऊंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? मैंने मेरे बेटे के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढा है, पता है? तुम अपनी बेटी को देकर मेरे बेटे से नौकरी करवाना चाहते हो, उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो, ये चमचे काफी नहीं है क्या? सामान संभाल के बात करो। मेरा ही लड़का चाहिए था क्या? मुझे चाहिए, झोली में ला के दोगी तो भी नहीं लूंगा। तेरी जैसी औरत के घर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। जा। ए, तुम मुझे समझते क्या हो? और मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है? ये तो सारी दुनिया जानती है। क्या जानती है? ये फिश मार्केट नहीं है, दिखने में तो बड़े लोग लगते हो लेकिन बिहेवियर घटिया है। आपने कंप्लेन की है, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पता चलते ही हम आपके लड़के को आप तक पहुंचा देंगे। प्लीज अब जाइए आप। क्या सबूत है? क्या सबूत है? उन चारों लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूँ, सही जगह चोट करो तो सारी सच्चाई बाहर निकल आती है। कौन है? कौन है बाबा? इतनी रात कौन आया होगा? कौन है? नटराज है क्या? क्यों इतनी जोर से दरवाजा खटका रहे हो? ए नटराज, नटराज। हेलो। हेलो, आप कहाँ हैं जी? क्या हुआ? घर के अंदर गुंडे लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी वापस कर। अरे कौन हो तुम लोग? बताते हैं तुझे कौन है, कहाँ ले जा रहे हो? वार्ड नंबर 24 किधर? राइट में जाइए। कौन है आप? अंदर कोई नहीं जा सकता। मैं चंद्रा का पिता हूँ। आपके लड़के को हमने अरेस्ट किया है, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं। मैं एक सर्विसमैन हूँ, मुझे मेरे लड़के से मिलना है। हे चंद्रा, ये कैसे हो गया बेटा? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पेशेंट के कौन हैं? मेरा लड़का ही है, इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इनकी फ्रैक्चर इंजरी हुई है, इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और आधा पैर काटना होगा। हाँ? गया, इज्जत गई, रुतबा गया, सब कुछ गया, उसकी वजह से ये बुढ़िया मर गई। क्या बाबू बोल रहे हैं आप? थोड़ी देर चुप रहिए ना, हम बात कर रहे हैं ना। क्या चुप रहूं, तुम क्या समझोगे? प्रभु बीए गोल्ड मेडलिस्ट, फिर भी वो क्रिमिनल बन गया। इस जन्म में उसे अब कभी गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती। ए, दीदी को बोलो। बुलाता हूँ दीदी। एक क्रिमिनल को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? कैसे इंसान हो तुम? किसी के साथ कैसे बात करनी है ये भी तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाए। तू कह रहा है कि अपनी लड़की नहीं देगा? मेरा फैसला सुन, अपने लड़के के लिए मुझे तेरी बेटी नहीं चाहिए। देख लिया ना, सुन लिया ना, ये मेरी किस तरह बेइज्जती कर रहा है, देख लिया ना? अपने आप को मेरा लड़का जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, उस पे फख्र है मुझे। अपने बेटे पे गुरूर करता हूँ मैं, किसी के नहीं सुनूंगा। देखा ना, देख लिया ना तुमने, घर में बहुत हुई और कैसा तमाशा कर रहा है, तेरे पिता को अक्ल नहीं है क्या? पापा,
सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए इस बेशरम को अपने दरवाजे पर आने दिया। अब जब इसी ने ठुकरा दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। ए, जाए यहाँ पे। भैया कोई रिश्तेदार नहीं है, सब यहाँ मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। लोग मेरा तमाशा देख के मजा ले रहे हैं। ये क्या तमाशा है? ऐसा कुछ नहीं है मालिक, ये हमारा घरेलू मामला है, हम लोग ही संभाल लेंगे। मैं जो कहूँगा मेरी लड़की वही करेगी। करोगी ना बेटी? मेरी बात मानेगी ना? तू भी मेरी बेइज्जती करेगी क्या? तुम लोग खुशी से रहो, मैं वही चला जाऊंगा जहाँ वो बुढ़िया गई है। ए जाना, ए चलो हटो। अरे कहीं हटो, भाई जान तो आजा। कुछ जी रोकिए ना इन्हें। कैसा इंसान है ये? हम लोगों पे क्या बीत रही है? और ये तुम लोग सब अच्छे से रहो, अब मैं नहीं जीऊंगा। मैं रहूँ ना रहूँ, दिव्या ने कह दिया है वो मान लेगी, मानेगी वो। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए जी, सब ठीक हो जाएगा। ए प्रभु कुछ करना यार। ए यहाँ कहाँ, बीच में दुबक कर फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है तू? अच्छा सुन, हम लोग की जमानत करने के लिए वकील साहब आ रहे हैं, पर तुझे छुड़ाने के लिए कौन आ रहा है? जाओ जाके कुछ करो। मेरा नाम बोलने के बाद भी तुम लोगों ने लफड़ा किया, अब मुझे भी साथ में निकालो। तुम लोगों को छोड़कर अब मैं अकेला कहाँ रहूंगा यार? क्या तुझे गलत जगह पर मारा रे, तेरी खोपड़ी पर ठक करके मारना चाहिए था, तब समझता तू। कम से कम मेरा सिर तो नहीं खाता। तू अपने कान का बैंडेज निकाल कर फेंक दे। सब अंदर चलो, तभी तुम सबको यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। चलो लेट्स मूव, कम। मालिक लड़के लड़कियों की शादी को रोकने का अधिकार कानून को भी नहीं है, इसीलिए इस केस में जो आरोपी बने थे उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। उनके ऊपर अपहरण करने का आरोप है, इसीलिए ये केस का फैसला होने तक उन्हें हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। प्रभु आजा, आ जाना बेटा, अपनी दादी के पास आ जाना। मेरी पहली बीवी से एक बेटा है, उसे मैंने ही पाला है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो गया है। वो मेरा बेटा ही नहीं है, उसे दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना चाहिए, उसे बोल देना यहाँ ना आए। वो देखो वो आ रहा है, मेरे मना करने पर भी मेरे घर में आया ना तो मैं उसे मार डालूंगा। इसे कह दो ये मेरे घर से चला जाए। क्यों रे नालायक, मेरे घर आया, मेरे घर में भाग गया, मत मारो, मत भाग जाओ, भाग भाग, मैं तेरी वजह से बर्बाद हो गया, मुझे मत नालायक। क्या बोल रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा पापा, मेरे कान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा पापा,
तुम मुझसे क्या कह रहे थे पापा? यही ना मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, यही ना? बोलो ना, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है पापा? पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, तुम हमेशा खुश रहो। कल तक तुम नाटक कर रहे थे, मुझे सब सुनाई देता था, आज तुम सच में कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। किस्मत में जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है? चंद्रू, अब तुम्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, बहुत कुछ करना बाकी है। छोटे थे तब मैंने ही चलना सिखाया था तुम्हें, अब भी सिखाऊंगा। आओ बेटी, आओ ना। हे भगवान, अरे ये सब क्या हो गया? क्यों रो रही हो? रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब होने को और क्या रह गया है? मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो मुझे। पापा आप इसे समझाइए ना, बेवजह में रो रही है। कहाँ है पापा? पापा, पापा वो आ गया है। ये जी वो जी करके पीछे गई ना तो समझ लेना मुझे तुम फिर से जिंदा नहीं देख पाओगी। अब तक जैसे बर्दाश्त कर रही हो वैसे ही रहो, भूल जाओ उसे। आज तक तेरा हर फैसला सही माना है, लेकिन आज मैंने एक फैसला किया जो तुझे मानना होगा। तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी, यही है मेरा आखिरी फैसला। आपने देख लिया ना, सबका मिलाकर एक रेट बता दीजिए। मैं कैसे बताऊं, आप ही अपना रेट बताइए फिर ले लूंगा। मैं क्या बताऊं, आज तक हम पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, सही टाइम देखकर उन लोगों को उठाना पड़ेगा यार। कान के बदले कान, पैर के बदले पैर, हिसाब चुकता करना होगा यार। मेरे बाप, अन्न खाता है कि माटी खाता है, कुछ तो बुद्धि की बात कर। क्या? इसे तू ही समझाना प्रभु। हम लोगों ने रिस्क लिया था उन दोनों को एक करने के लिए, हमारा काम अब पूरा हो गया, बेकार में बात बढ़ा के क्या फायदा। प्रभु एक बार फोन करना, पूछना कैसे हैं वो लोग। हाय प्रभु, कैसे हो यार? अरे मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक हैं। सुधीर क्या कर रहा है? वो यहीं पर है, फोन देता हूँ। ए सुधीर, ए सुधीर, प्रभु का फोन आया है। ये लो बात करो। प्रभु कैसा है दोस्त? अच्छा हूँ, तू कैसा है? और तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? वो यही है, मैं उसे। हाँ देना। प्रभु हेलो। और बहन कैसी हो? हम लोग ठीक है, हम लोग रिसोर्ट छोड़कर कहीं नहीं गए, अंकल जी ने हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखा। और हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? हाँ वो लोग भी इधर ही हैं, लो इनसे बात करो। हेलो कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, विद्या कहाँ है? हाँ एक मिनट देता हूँ। विद्या फोन। कौन है? सुषमा यार। हेलो हेलो, ठीक हो ना? तुम लोग हमसे दूर होकर भी ऐसा लग रहा है कि पास ही हो। फोन इधर ला। अरे देना यार, क्यों बड़बड़ कर रहा है? अपना ख्याल रखना भाई। ओके प्रभु। हाँ? बाय। चलो ठीक है प्रभु। हाँ बोलना भाई। बड़े घर से खाने का ऑर्डर आया है, ऑर्डर को कैंसिल करके वो दुकान बेचने बैठे हैं। किस लिए? पता नहीं, कौड़ियों के दाम में बेच रहे हैं वो दुकान। चलो चंदू तू यही रहे, हम लोग आते हैं। हाँ। इसी तरह रेट फाइनल करो तो मैं आज ही इसे खरीद लूं। नहीं भाई, मैंने कह दिया ना ये गुस्से में है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जाइए हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है। ये क्या कह दिया तुमने? अरे क्या हो गया आपको, आपका खाना इस पूरे गांव में नंबर वन है, शादी का खाना बनाने में आप यहाँ के किंग हो, तो
कौड़ियों के दाम में आप इसे बेचकर क्यों जा रहे हैं? देखो बेटा, अब मुझ में शक्ति नहीं रही। हम लोग हैं ना? मुश्किल है बेटा, तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, बड़े घर के बच्चे हो। पैसे वाले हमारे घर वाले हैं, हम लोग जो करेंगे वही हमारे लिए बड़ा है। हमें आप अपने ही बच्चे समझिए। महेश। हाँ प्रभु। कल जाके जय कुमार से बात कर लेना, मैं उसको फोन कर दूंगा। हाँ। और उसका खाने का ऑर्डर भी ले लेना, और हम लोग का फोन नंबर उसे दे देना। मार्केट में चार लोगों से मिल लेंगे ना, तो ऑर्डर की हमें कोई कमी नहीं रहेगी। क्या दिमाग पाया है, अब तो मैं किचन में खाना भी बनाऊंगा और कचर कचर कुछ भी खाते रहूंगा। अरे पनौती, यहाँ हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं और तू छींक कर पनौती लगा रहा है। तेरी आदत है ना, है ना? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या चाहिए ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता यार, चलो ये भी करते हैं। अरे पनौती, बीच में बोलना मत, नहीं तो मारूंगा। हाँ ये देख, यही है वो घर। ए भाई, तू लक्ष्मी नारायण का बेटा है, अद्भुत अवतार है, तू यहीं खड़ा रहे। ए तू इसका ध्यान रखना, गड़बड़ न करे। क्या? तू अद्भुत अवतार है, लक्ष्मी नारायण का बेटा है, यहीं खड़ा रहे। अब शकुन कहीं का? किससे मिलना है? सिस्टर, हमें खाने का ऑर्डर लेना है, घर में कोई बड़ा हो तो उन्हें बुलाइए। इस वक्त घर में कोई नहीं है, मेरी मामा बस आते ही होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, इसके मामा को आने दो, उसी से बात करते हैं। चलो यार, देखना ऑर्डर हमें ही मिलेगा, मेरा दिल भी ऐसा ही कहता है, यकीन करो। यार लेकिन अरे महापुरुष, हम लोग काम ढूंढने आए हैं, गड़बड़ मत करना, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। प्रभु, किसी तरह मेरा भी मामला जमा दे यार, मैं भी सेटल हो जाना चाहता हूँ। जरा चुप रहना, क्यों इतनी जल्दबाजी करता रहता है? मामा, अरे ये तो बिल्कुल जल्लाद लगता है भाई। हमने गलत जगह दस्तक दे दी है, यहाँ काम नहीं बनेगा, चलो चले। पूरे गांव से दुश्मनी ले रखी है क्या यार? तेरी वजह से भूखे मर जाएंगे, ऐसे दिन कब तक देखने पड़ेंगे यार? ए लड़के लोग, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम लोगों का साथ अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? पकवान का ऑर्डर चाहिए ना, ले लो, अच्छा खाना बनाओ, बिंदास बनाओ। सर आप क्या? लेकिन कैसे सर? ये चिंतामणि की जय, चिंतामणि की जय, चिंतामणि की जय। I love you. अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे उसने कुछ कहा यार। हाँ जानता है क्या कहा होगा? अबे गधे, जाके अपना काम कर, यही कहा होगा, चले यहाँ से। प्रभु। हाँ। बची हुई सब्जी का क्या करें यार? जितना कहता हूँ ना उतना ही करो। एक 50 रुपए दो ना क्वार्टर और आमलेट। थक गया था इसीलिए बोल रहा था। ए, ये साला अपने आप को क्या समझता है? ए, 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 शांत हो जा। हम लोगों से पैसे खर्च करवा के खुद का बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया प्रभु। अरे मैं तो छोड़ना नहीं, छोड़ना यार। नहीं प्रभु, प्रभु उस वक्त तुमने क्या कहा था? तो फिर से कहूँ क्या?
सब खर्च करने के बाद बचे 1,200 रुपए। इसे श्रवण जी के पास पहुंचा दे। हाँ ठीक है, आप चूल्हा जलाइए बहन जी। बस ला, मैं जलाता हूँ। हाँ, ये तो और अच्छी बात रहेगी। क्या बात है। अरे तू भी इसके जैसे कोई दुकान खोल लेना। ए पहले उनको दे जा। ओ हाँ हाँ भाई। हाँ ये बहन जी। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। प्रभु मुझे ऐसा लग रहा था तुम सब मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अब पता चला तुम लोग लेने वाले नहीं देने वाले हो। सुधर जाओ, इसका दिल कितना बड़ा है देखो। जाओ जाओ, पहले सबको चाय पिलाओ, प्रभु का फोटो लगा के आज से तुम यहाँ पूजा करना। मैं करूंगा, अपनी चोंच बंद रख। उसने क्या कहा? तू थोड़ी देर चुप रहेगा क्या? ये फोटो तो आज ही निकाला था। चिंतामणि की जय। 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 चंद्रू एक ही बात तुम बार बार क्यों कह रहे हो? एक बार फिर से तुम सोच लो, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। प्रभु आ गया है, उससे जरा पूछ लो। क्या बात है? एक नया ऑर्डर आया है, ये लोग मना कर रहे हैं। क्यों भाई? नहीं यार। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए यार। अरे बेकार में ना क्यों कह रहा है, क्यों नहीं चाहिए बोल तो। वहां हमारा नहीं जमेगा। ए, इसके लिए एक पैक बना। अरे सारे फैसले तुम्ही लोग लेने लगे तो मेरी क्या जरूरत है, सारे काम तुम ही देख लो ना। गवर्नमेंट से पगार लेने का मतलब भगवान से पगार लेना है। मैं तो वो नहीं ले सका, लेकिन मेरा दामाद वो लेगा। ए कमीने, तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आखिरकार तूने अपनी औकात दिखा दी ना। प्रभु से अच्छा दामाद तुझे इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा, समझा? किसी भी ऐरे गहरे के पल्लू तू अपनी बच्ची को बांधना चाहता है क्या? ये खाने की भुक्कड़ है, उसके बगैर जी सकेगी क्या? जब देखो तब एजी एजी करके उसके आगे पीछे घूम रही थी ना। अब उसे मरने के लिए छोड़ देगी? तेरा बाप मरता है तो मर जाने दे, इसके जिंदा रहने से भी किसी का भला होगा क्या? ऐसे लोग जाएंगे तो धरती का बोझ कम होगा। ए, तू यहाँ झगड़ा करने के इरादे से आया है, चल जाए यहाँ से। इसे अब मैं ही मार देता हूँ। तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा था? मुझे छोड़ दे प्रभु, छोड़ दे मुझे। कितने लोगों के लिए तू अपनी जान पे खेल कर क्या क्या नहीं करता। आज इसे मारकर मैं जेल में चला जाऊंगा और तुम लोग की शादी का जश्न वहीं मनाऊंगा। छोड़ दे। मैं हार गया मेरे यार, उनकी शर्त मैं पूरी नहीं कर पाया। चल माफ करना अंकल, आपका फैसला बिल्कुल सही है। ए प्रभु तेरा दिल नहीं दुख रहा है? तेरे चेहरे पर हंसी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, छोड़ मुझे। पवित्रा, पवित्रा क्या है माँ? यहाँ आ जा। क्या है सब? हाँ बता बता, क्या है ये सब बता? तुझे ढील देने का मतलब है हमारी इज्जत को उछालने का? क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? छिपकर ये बोल रहा है। लक्ष्मी, बच्ची को ऐसे क्यों मार रही हो? देखिए क्या गुल खिला रही है, देखिए। क्या ये? बता ना, जवाब दे ना, पूछिए ना इससे। क्या ये सब? हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी इसने, जवाब दे ना, बता ना। भैया भैया क्या ये, क्या ये सब बोलो? घर पे रहने की जगह दी इसका, ये सिला मिला हमें।
दोस्त है ना तेरा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कुछ कहना है तुझे? ये मैं पहले से जानता था। अच्छा, कौन है वो? मेरा फ्रेंड है। मेरे घर का दामाद बनने की हैसियत रखता है क्या वो? मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा लड़का है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? अच्छा है इसका मतलब? क्या तकलीफ है आपको जात पात की? जिस दिन से ये दोनों एक दूसरे को एजी ओजी कहने लगे हैं, उसी दिन से सारे भेदभाव खत्म हो चुके हैं। आपको इसकी खुशी प्यारी है या जात पात ज्यादा प्यारी है? आगे पीछे ना जानने वाले के हाथ में इसे देकर बाद में पछताने से अच्छा है उस लड़के पर विश्वास करो, वो हमसे अच्छा इसका ख्याल रखेगा। आप लोग मान जाइए, ये भी वही खुश रहेगी। मुझे तो मेरा प्यार मिलने से रहा, इसका सपना तो पूरा होने दो। क्यों जी, कोई जवाब दिए बगैर चले जा रहे हैं? अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे बेटे का हर फैसला बिल्कुल सही रहता है। जो जी में आए करो। यस भैया। ए, अब मुझे सुनाई दे रहा है यार। ए, रुक जा। चलना यार, चलो। चलो कुछ नहीं होगा। खून करने वालों को, डाका डालने वालों को कानून यूं ही छोड़ देता है, लेकिन हम लोगों को हर तारीख को हाजिर लगाने के लिए आना पड़ता है। कानून तेरे घर का है ना, जज साहब से कह देना, जज साहब छोड़ देंगे तुझे। जो भी कहना है इस तरफ से आके कह, वो वकील हम लोगों को फिर से अंदर कर देगा, तू शांत रहना बाप। कानून उसी का सपोर्ट करता है जिसके पास ताकत हो, हम जैसे लोगों को नहीं। हेलो सर। हाँ, कैसे हो? नमस्कार सर। हमारा केस कब तक खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, सामने वाले ने केस वापस ले लिया। सर ये आप क्या कह रहे हो? अब कोई सवाल मत पूछो, ये तुम सबके लिए बहुत अच्छा मौका है, अपनी जिंदगी सुकून से जियो जाओ। ये तो अजीब बात है, ये सब कैसे हुआ क्या? हाँ। ए प्रभु, ऐसे कैसे हो गया यार? ए वो लोग कहाँ है तुमने बता दिया क्या? चलो घर पर बात करते हैं। ए, तुम पर विश्वास करके तुम्हारे हवाले किया था। वो सब छोड़ो प्रभु। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमसे नहीं होता तो हमें कह देते, हम कुछ और इंतजाम कर देते, लेकिन ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। देखो प्रभु, विश्वासघाती सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, तुम भी धोखेबाज निकले। मैं धोखेबाज हूँ? मैंने ऐसा कौन सा धोखा किया है? इधर आओ। उन लोगों के लिए ये जगह काफी थी, वो लोग जिंदगी जीने के लिए नहीं आए थे, अय्याशी करने के लिए आए थे, जी भर के मजे किए। जब जोश ठंडा हो गया तो पिकनिक मनाकर चलते बने। हाँ। चलते बने? कहाँ चले गए? अपने अपने घर गए। सिर्फ 5,000 दे रहे हो? मेरे भी तो कुछ खर्चे होते हैं, मेरे बारे में तो सोचो। ये 5,000 में मेरा जेब खर्चा नहीं होगा, अपनी मनपसंद चीज नहीं ले सकती। पगार का आधा हिस्सा दे दिया फिर भी। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम पर विश्वास करके अब भीख मांगने की नौबत आ गई। देखो बेकार की बात मत करो। करूंगी तो क्या करोगे? छी, चली जाओ। तुम्हारी नजर में इतनी गिर गई मैं? और नहीं तो क्या, तुम्हें सर पर बिठा कर घूमता रहूं मैं? मुझसे भूल हो गई। तुझसे बड़ी भूल तो मुझसे हुई है। मतलब? जैसा तुम्हारा सवाल था मेरा जवाब भी वैसा ही है। मेरी बातों का तुमने क्या मतलब निकाला? क्या समझते हो? बात कर मेरे साथ, तुझ जैसी बहुत देखी मैंने। क्या कर रही हो बहन, ये क्या कर रहे हो? इसके दिल के अंदर का जहर अब बाहर आ रहा है, कह रही है भूल हो गई। ये कह रहा है मुझसे बड़ी भूल इसने की है। इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे तो एक सप्ताह भी नहीं रह पाओगे। ए, मैंने तुम्हारे लिए काम देखा है, कल से काम पर जाना। गया था भाई, तुम्हारा दोस्त काम पर गया था, 15 दिन भी उसने ठीक से काम नहीं किया, आधे में ही काम छोड़कर भाग गया। हर किसी को जिंदगी में शादी के बाद 2-3 महीने प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो समझौता कर लेता है उसकी जिंदगी सही होती है। 100 में से 4 लोग ही ऐसा कर पाते हैं, बाकी सब अधूरे में छोड़ देते हैं। उसे मत बदल यार, खुद को बदल ले। क्या कह रहे हो, उसके सामने मैं सर झुकाऊं क्या? झुकाना, प्यार करते समय ये बात समझनी चाहिए थी। Thank you.
ए, क्या हुआ तुम्हें? इतना भाव क्यों खा रही हो? एक इशारा करूंगा ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी मेरे पीछे। हाँ तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। ए, खानदान के ऊपर गई ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम मारोगी तो मेरे क्या हाथ नहीं है? तुम मारोगी, मुझे मारोगी। चल मारना, मार मुझे, मारना। मुझे मारती है? हाँ तेरी इतनी हिम्मत के तुम मुझे मारेगी? ये ले, शांत रहो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम लोग इतने मतलबी हो? प्रॉब्लम होती है तो मेरी जरूरत पड़ती है, और अब ये तुम्हारा पर्सनल मामला हो गया? अच्छी बात है। ए, अभी तुम लोग मेरी जगह पर हो। हाँ है तो तुम हमारे बीच में आओगे क्या? तुम हमारे बीच में आने वाले हो कौन? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ए, तूने मुझ पर हाथ उठाया, आज तो तू गई। मैं तुझे बहुत मारूंगा। मारना, तेरा तो मुंह तोड़ दूंगा। मंगलसूत्र। ये क्या बहन, तुमने मंगलसूत्र उतार दिया? तुम दोनों को मिलाने के लिए वो तीनों बर्बाद हो गए। उसके लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? कम से कम तू तो समझ जा यार। अरे जाते जाते उन तीनों को तो बता के जा। हाँ ठीक है ठीक है। हमारी इतनी इज्जत रह गई मामा? थी लेकिन पहले। वो लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी। वो भी पहले, उसके एक इशारे पे पानी में कूद गया था, वो उस समय की बात है। उन दोनों का पवित्र प्यार है, यही कहते थे ना। उस समय वैसा ही लग रहा था, सांप की तरह उसके पीछे घूम रहा था, उसे डसने के इंतजार में। देखा ना, डस लिया, काम खत्म, अब अपने रास्ते निकल लिया। कोई कुछ नहीं कर सकता, भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? तूफानों को तो हमने ही झेला है ना। हमारी जो बेइज्जती हुई है, जो दर्द हमने सहा, उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। अरे छोड़ो यार, उन्हें इस बात का एहसास होता है तो इस तरह नाटक नहीं करते। इन दोनों ने ऐसी हरकत की है, अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी सोचो। राशन की दुकान की तरह ये लोग लाइन में खड़े रहते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। ये लोग मजे करने के लिए ऐसा करते हैं, एक होने के लिए नहीं। क्यों नहीं होंगे? जरूरत होती है तो हमारे पास आते हैं ना। उनकी तकलीफों को समझकर सारे तूफानों से टकराकर उनको एक करते हैं तो वो अलग क्यों है ये पूछ नहीं सकते? ये कहाँ का इंसाफ हो गया? मैं हर हाल में पूछूंगा ही। तो फिर जाओ, तुम्हारे इसी इमोशन का फायदा उठाकर उन लोगों ने ऐसी गलत हरकत की है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं इस तरह का धोखा खाने वाले। उनके प्यार के खातिर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है मामा, उन्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। ए, चलो देखते हैं, जाओ जाकर उनके बहन को जाकर। कहाँ जा रहे हो? मैंने उसी दिन कहा था ना, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब समझ रहे हो ना, हमारी हालत चोरों जैसी हो गई ना। चल जाना। अरे मेरी बात सुनो। जाओ ना। सुन लो, वो तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। मेरी बात सुनो। जो मैंने कहा उसे भूल जाना। ठीक है ठीक है। क्या है? हमें सुषमा से मिलना है। मिल लो। बाप की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। मुसीबत के समय वो कहां गई? क्या तेरे पास गई? दोस्त हो ना, अब क्या हुआ? उसकी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। पैदा किया है मैंने उसे, पाला पोसा है मैंने उसे। अपनी लड़की की शादी किससे करनी है मैं जानता हूं। तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर ऐसा करके क्या मिला तुम लोगों को? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या हासिल हुआ तुम लोगों को? बस यही वजह है कि माँ बाप प्यार से नफरत करते हैं। बोलो अब क्या करोगे तुम लोग? मेरी लड़की के लिए कोई और ढूंढोगे? ये सब मेरी बदकिस्मती है। हम सुषमा से बात करना चाहते हैं। बात करनी है? सुषमा, सुषमा, ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ मैं सपना समझकर भूल गई हूँ। सपना? ए, ये कितना बिंदास बोल रही है, देखना। ए, तुम जाके गाड़ी में बैठो, जाओ। ए, तुम भी जाओ, जाओ। अब तुम लोग भी जाओ। एक मिनट, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो आज तो जिंदा जा रहे हो, फिर नहीं जा पाओगे। आ, 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 आ,
तुम लोग कौन हो पहले बताओ, रुक जाओ वहीं। फिर से आ गए तुम लोग यहाँ। किसी भी मंदिर में चार लोगों के सामने हार पहना देने से कोई शादी नहीं हो जाती। जो शादी तुम लोगों ने चोरी छिपे करवाई थी वो मैंने तोड़ दी है, और दोनों का डिवोर्स भी हो चुका है। कल सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी के साथ मेरे बेटे की इंगेजमेंट है। आके पेट भर के खाना खा लेना। ए, निकालो इन लोगों को यहाँ से। सुधीर, क्या है? चल नीचे अबे। क्या काम है? मैंने बोला ना नीचे। चल जा। ए सुधीर, ए मेरे तन बदन में आग लगी है, जाना। ए नीचे अबे, हमें तुझसे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी, इन्हें निकालो बाहर। ये सब क्या है? वो कहती है बुरा सपना है, ये कहता है तन बदन में आग लगती है, तो हम लोग क्या है उनकी नजर में? हे, क्या कहना चाहता है तू? उन्हें उठाना है। हम लोग अपनी जान पे खेल के वो दोनों को एक करवाए थे, और वो हमसे बात भी नहीं करते। वो लोग को जान से मार देंगे, पेपर में छपेगा ना, तब सभी लोग उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हर कोई ऐसा करने से डरेगा, फिर कोई ऐसा नहीं करेगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? हाँ बोलो। तुम लोग कोई मत आओ, मैं अकेला ही उन्हें मारूंगा। हमसे बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है ना, इतने छोटे बन गए हम लोग। ए, मुझे करना और मैं करके रहूंगा। ए बिता, चल जाकर उन्हें उठाते हैं। दूसरे के लिए तैयार हो रही है ना? शादी तेरे लिए हर रोज एक कपड़े बदलने जैसा है ना, रोजाना अपने चेहरे का मेकअप चेंज करने जैसा है ना? हेलो, क्या दुश्मन बंदे वो सबका दुश्मन मानो, वो ही क्यों जीना चाहे, जीने का हक है सबको। इश्क के साथ है अल्लाह, इश्क के साथ है मौला, ¡Gracias!
पैर क्या वो भी कुछ नहीं है तेरे लिए, एक का कान क्या वो भी तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का तो पूरा संसार ही चला गया, वो बेचारा जीते जी मर गया और तेरे लिए ये सब एक बुरा सपना। जब उठा के ला रहा था तो मजा आ रहा था, आज दर्द हो रहा है क्या? बातों पे वक्त बर्बाद मत करो, सारों को जान से मार दो। क्या है तुझे एहसान की कीमत चाहिए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा बता? बता, मुंह में जबान नहीं है, बात नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता क्या? बोल, क्या कहा था उस दिन? बदन में आग लग रही है। और तू 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 क्या कह रही थी? सपना सपना, यही काट दूंगा तुम दोनों का मैं, समझी? किस लिए प्यार का झूठा बहाना बनाकर हमारे पास आए थे? अगर सच कह देता कि मुझे उसके साथ सोना है, इसके साथ अय्याशी करनी है, तो मैं तुझे अपना घर दे देता। चल तेरे लिए तो मैं आ गया, लेकिन वो क्यों आया? वो क्यों आया और ये क्यों आया? तेरे लिए नहीं, इसके लिए नहीं, दोस्ती के खातिर। प्यार का साथ देने के लिए कोई भी आ जाता है, उस समय वो अपना बुरा भला नहीं सोचता है। मजाक बना दिया तुम लोगों ने, प्यार की कीमत सच्चा प्यार करने पर पता चलती है। हम जैसे लोग तुम लोगों को एक करते हैं तब उसकी कीमत नहीं पता चलती। हम दिन रात मेहनत करके जिंदगी जीते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता? तुमने ऐसा कभी किया है? प्यार के नाम से हर मां बाप नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम जैसों पर भरोसा नहीं होता। अरे जी कर दिखाओ, वो जितना सोचते हैं उसे एक कदम और आगे बढ़कर दिखाओ ना। सलाम मिलेगा। एक बात बता, आज तो इसको डाइवोर्स देके दूसरी से शादी करने जा रहा है, उसके साथ भी नहीं जमा तो? और तू तू भी दूसरे से शादी करेगी? और अगर वो पसंद नहीं आए तो कोई तीसरा, और उसके साथ भी नहीं जमा तो? अरे ये भी कोई जिंदगी है क्या? अय्याशी है। दुनिया में लव मैरिज करने वाले एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते थे ये पेपर में पढ़कर, और सुनकर दिल को बहुत ही चोट पहुंचती थी। लेकिन आज मुझे समझ में आया, वो एक एक डाइवोर्स के साथ हम जैसे कितनों का दर्द भी जुड़ा है। मुझे उम्मीद थी मुझे प्यार में सक्सेस मिलेगी, आज मेरा प्यार हार गया तो क्या हो गया, लेकिन कल तो मेरा प्यार कामयाब हो जाएगा। इस उम्मीद से मेरे प्यार को भी कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिल जाएगा, यही सोचकर छोटा या बड़ा दो प्रेमियों की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है।
लेकिन तूने उसका क्या सिला दिया हमें? आज के बाद तुम जैसों की मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला। पब्लिक के बीच लाइन नहीं मार सकते हैं, पार्क में एक दूसरे को किस नहीं कर सकते हैं। लवर से ये पता चलेगा तो तुम लोगों को चप्पल मार के दौड़ाएंगे। प्रभु, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इन लोगों को खत्म कर देते हैं। जिस दिन ये लोग हमारी कुर्बानियों को सोचे बिना अलग हो गए, उसी दिन ये लोग मर गए। ये तो जिंदा लाश है। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैंने 24 लोगों को तैयार किया है। अरे लाने दो से हजार आदमी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। हाँ, मेरे दोस्त के प्यार का मामला है क्या? हम लोग भी साथ में हैं। मेरे यार, अभी अभी मुझे 4 नए और दोस्त मिले हैं, टोटल 28 आदमी हो गए हैं। जब तक हम जिंदा हैं, प्यार नहीं मरेगा। शंभो, शिव शंभो, शिव शिव शंभो।